वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है सात मार्च 2023 और सात मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंपैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया है तो अभी छः मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है भर में टेनिस की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया अच्छा एक मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया तीन मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया चार मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको ही बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेग टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहा पहली लेबर ट्वेंटी बैठक आयोजित की जाएगी तो अभी अमृतसर में पहली लेबर ट्वेंटी बैठक आयोजित की जाएगी तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है 19 और 20 मार्च को पहली लेबर ट्वेंटी बैठक अमृतसर में आयोजित की जाएगी इसमें 20 देशों के ट्रेड यूनियन केंद्रों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सी पर रहा तो अभी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया इसमें डेनमार्क टॉप पर है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है डेनमार्क फर्स्ट पे है स्वीडन सेकंड पे है नॉर्वे थर्ड पे है और अपना देश भारत एक सौ नंबर पे है अब डेनमार्क टॉप पर है तो ये है मैप में डेनमार्क डेनमार्क की कैपिटल क्या है कोपेन डेनमार्क की करेंसी क्या है डेनिस क्रोना और डेनमार्क की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है मैट फ्रेडरिक्सन कौन है मैट फ्रेडरिक्सन नए क्वेश्चन है हाल ही में किसने चौवन साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है तो अभी कर्नाटक ने मेघालय को हराकर कर चौवन साल के बाद संतोष ट्रॉफी जीती तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है संतोष ट्रॉफी ये क्या है ये एक राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है इस बार कर्नाटक ने इसे जीता है अब कर्नाटक ने जीता तो ये है मैप में कर्नाटक कर्नाटक की कैपिटल क्या है बेंगलोर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है बसवराज बम्बई और कर्नाटक की गवर्नर कौन है ताबर चंद्र गहलोत अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है ये कमल के आकार का हवाई अड्डा बनाया गया है कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 सौ नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया कर्नाटक सरकार ने खाना बदूस समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया ए आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है कर्नाटक के दो डांस फेमस हैं यक्षगढ़ और डोलू कुनीता अच्छा कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं बांदीपुर अंसी नगर होल बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, है। हाल ही में नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण शुरू किया तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है इसे स्वदेशी विमान बाहक पोत आई एन एस विक्रांत पर शुरू किया गया है ये जो नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण है इसे स्वदेशी विमान पोत आई विक्रांत पर शुरू किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है तो अभी ब्रह्मोस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सटीक परीक्षण हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 2022 का बेबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जीता है तो अभी मीरा बाई चानू ने 2022 का बेबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जीता तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है वेट लिफ्टर मीरा बाई चानू और इन्होंने ही 2022 का बेबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहा विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया तो अभी जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर किया गया है इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया अब जम्मू कश्मीर की बात है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लेथियम के भंडार मिले हैं भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में खुला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है केशतवाड़ नेशनल पार्क है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है जम्मू कश्मीर में डल झील है बुलर झील है मानसबल झील है गंगाबल झील है इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मऊगंज किस राज्य का तिरपनवा जिला बना है तो अभी मध्य प्रदेश का तिरपनवा जिला बना है मऊगंज तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है एक्चुअल में मध्य प्रदेश में रेबा जिले की एक तहसील थी मऊगंज अब इसे नया जिला बना दिया गया है तो मऊगंज अब मध्य प्रदेश का त्रेपनवा जिला बना है अब मध्य प्रदेश का बना है तो यह है मैप में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भोपाल और भोपाल में है भोजताल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की गवर्नर कौन है मंगू भाई से पटेल अभी सातवा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया मैंने आपको बताया था इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया खजुराहो नृत्य महोत्सव का उनचासवां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदल के जगदेशपुर कर दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पांचवां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है मध्य प्रदेश में काना बांधवगढ़ माधव संजय पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसने अभी लेबिया में फंसे हुए सभी लोगों को वापस निकाला तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसके अध्यक्ष कौन है इकबाल सिंह लालपुरा कौन है इकबाल सिंह लालपुरा अब लीबिया में फंसे हुए लोगों को निकाला है तो यह है मैप में लीबिया लीबिया की कैपिटल क्या है ट्रिपोली लीबिया की करेंसी क्या है लेबियन दिनार और लीबिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है अब्दुल हामिद दबी है कौन है अब्दुल हामिद है ने क्वेश्चन है हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है तो अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के चार मंत्रियों के साथ सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है यह डाक विभाग का अनूठा कवर है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक और आपको पता है सिक्किम दुनिया का इकलौता हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक स्टेट है क्या ये दुनिया का सौ प्रतिशत जैविक राज्य है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब घोषणा उत्तर प्रदेश ने की तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है गोमती नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारासिंगा राजकीय पक्षी है सारस या क्रौ राजकीय पुष्प है पलास और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के सातवें संस्करण की मेजबानी करेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बी एफ एस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है अच्छा उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पेलीभीत टाइगर रिजर्व है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है तो अभी डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है इस पुस्तक के लेखक का नाम और याद रखना है इस पुस्तक के लेखक हैं सज्जन सिंह यादव लेखक हैं सज्जन सिंह यादव और इसका उद्घाटन या विमोचन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो अभी अपने देश भारत और मैक्सिको ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अब मैक्सिको तो ये है मैप में मैक्सिको मैक्सिको की कैपिटल क्या है मैक्सिकन सिटी मैक्सिको की करेंसी क्या है मैक्सिकन पैसो और मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है एंड्रेज मैनुअल लोपेज कौन है एंड्रेज मैनुअल लोपेज क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा दो दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है तो अभी आगरा में दो दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है तो अभी अपने देश भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएँ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर आई एंड डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना आज की इस वीडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑल बेज विथ यू थैंक्स फॉर वॉचिंग